मेरठ में रेड लाइट एरिया तो बंद हो गए, लेकिन हाई प्रोफाइल होटलों में देह व्यापार का धंधा खूब फल फूल रहा है। मेरठ में आज पुलिस ने होटल साहिल पर छापेमारी की, जहां से दो युवती और 5 आदमियों को गिरफ्तार कर लिया गया। यह होटल की आड़ में देह व्यापार का खुला धंधा चलाया जा रहा था। इतना ही नहीं, लड़कियों को ऑनलाइन बुक किया जाता था, ग्राहकों की डिमांड पर देह व्यापार के लिए परोसा जाता था। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पर इन लड़कियों की फोटो ग्राहकों के साथ एक्सचेंज किए जाते थे। पसंद आने पर ग्राहक अपनी मुंह मांगी कीमत देते थे और इन होटल में आकर उन्हें सारी सुविधाएं प्राप्त होती थी। होटल की आड़ में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, होटल का मैनेजर ही चला रहा था। एक मुखबिर की सूचना पर एंटी ह्यूमन ट्रैकिंग यूनिट के टीम ने छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया। होटल में अचानक कार्रवाई से आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया, जिसके बाद सभी को गिरफ्तार कर थाने लाया गया। फिलहाल पुलिस को कई जोड़े मिले हैं, जिन्हें तफ्तीश के बाद छोड़ा गया। आपको बता दें कि पुलिस की नाक के नीचे सेक्स रैकेट का गोरखधंधा शहर के होटलों में चल रहा है। स्थानीय थाना पुलिस सूचना होने के बावजूद भी हाथ पर हाथ धरे बैठी है। शास्त्री नगर में जो सेंट्रल मार्केट में एक होटल है, दाहिने रास्ते होटल साहिल, तो उसमें 2 मंजिल ऊपर चढ़ गए होटल है। वहाँ पर छापा भी मारता, शिकायत प्राप्त हुई थी कि वहाँ पर लड़कियों को होटल वाले रखते हैं और ग्राहकों को बुला के वहाँ पर देह व्यापार का कार्य चलता है। तो मैंने उसमें टीम को लेकर गया था, एएसटीओ की टीम थी, लोकल भी पुलिस थे। तो वहाँ पर थे 2 लड़कियाँ और 5 जेंट्स हैं जो मिले हैं। मूल रूप से उसका जो मैनेजर के रूप में वहाँ काम कर रहा था, ये अशोक है, नेपाल का है, अशोक नेपाली के नाम से लोग जानते हैं, तो ये पकड़ा गया है। मेन कर्ता धर्ता ये है, बाकी इसके साथ जो सहयोगी इसका एक नौकर है। तो बाकी जो बरामद हुए हैं, जो मिले हैं, वो लड़के हैं, लड़कियां हैं, तो उन सबको पकड़ा गया। जो भी सुसंगत धाराएं होंगी उसमें अभियोग पंजीकृत किया जाएगा और आवश्यक कार्रवाई। होटल मालिक का अभी मैं पूछताछ किया था, तो कोई मिस्टर अरोरा बताए हैं होटल मालिक, तो उसकी भूमिका की जांच होगी कि होटल वो स्वयं चला रहे हैं या ये अशोक नेपाली चला रहा था। तो जैसा भी मिलेगा, एविडेंस मिलेगी उसके आधार पर, नहीं तो होटल मालिक के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। तो पहले भी साइड होटल की ऐसा शिकायत आ रही है, पर छापे भी वहां पर लगे नहीं। मैं तो जितने समय से यहां से देख रहा हूं, मुझे ध्यान नहीं कि इससे बीच पहले होटल साहिल के ऊपर कोई छापा हो। हो सकता है मेरे रहने से पहले कोई छापा हो, मेरे संज्ञान में नहीं रहेगा। 2 लड़कियां हैं और टोटल जो है, जो ये मैनेजर था, इस सहित जो है 5 पुरुष हैं। तो बाकी वहाँ पर कंडोम्स ये इस तरह की चीजें यूज अनयूज मिले। रेड लाइट एरिया बंद होने के बाद ये जो आवासीय क्षेत्र है वहाँ पर ये झंडा पड़ा है, ऐसे में क्या? नहीं, ये इस मेरी बात हुई थी, मैंने उससे पूछताछ की थी। तो ये जो अशोक है, उससे हम कह रहा है कि मैं 1.5 साल से इस होटल पे हूँ और ये काम यहाँ होता था। और जो इन्फॉर्मर था, जिसके द्वारा सूचना दी गई थी, उसने भी काफी लंबे समय से धंधे का यहाँ पे चलना बताया था। तो मुझे नहीं लग रहा इसका कि कबाड़ी बाजार से भी कोई संबंध। तो सर, किस तरीके से लड़के प्रोवाइड कराए जाते थे ऑनलाइन, किस तरीके से? उसकी जांच हो रही है, इसलिए हम उसका मोबाइल को जांच कर रहे हैं कि व्हाट्सएप प्रयोग करते थे या किस तरह से प्रयोग करते थे, उसकी जाँच हो रही है।